प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगे आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ, मैं जिस फिल्म में काम कर रही हूँ उसके आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग पर मैं आई हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि खाटू श्याम जी, जिनको मैं भी बहुत मानती हूँ, और उनकी जो फिल्म बन रही है उसमें मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रोड्यूसर भी हैं आप, एक्ट भी करेंगे? हाँ जी, मैं एक्ट भी करूँगी। उनके बारे और में थोड़ा आपने सा बताइए। पहले फिल्में जो की है हाँ, मैंने तो पहले भी काफ़ी फिल्में की हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, और लास्ट फिल्म मेरी जो ओरिजिनल बायोपिक थी, मलखान सिंह, जो डाकू मलखान सिंह है, आज भी वो जीवित हैं, उनकी बायोपिक पे मैंने काम किया था, लास्ट फिल्म मेरी वो थी। इसमें किस तरह का किरदार आपका होगा? इसमें तो अभी मुझे डायरेक्टर सर ने मतलब बताया है, वही बताएंगे आगे आपको, मुझे अभी मैं बता नहीं पाऊंगी अभी तो। कैसा लगा ये भजन जो आज रिकॉर्ड किया गया हाँ, आपका? ये जो आरती यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, थोड़ा सा हटके है, जो सभी लोग कॉमन रहती है ज़्यादातर आरतियाँ भगवान की, लेकिन हाँ, जो खाटू श्याम जी की आरती है वो थोड़ी सी हटके है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या सुनाना चाहेंगे मैम? मैंने अभी अभी अंदर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सुनाया था। सर आप क्या कहना थैंक यू, चाहेंगे क्या आज के इस फिल्म के बारे में? बोलूँ। जी, मैं म्यूजिक कंपोजर नसराज घिमिरे। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दिनों के बाद भजन, वो भी आरती खाटू श्याम जी का, कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला कि एक साल बैठने के बाद, एक साल जो तकलीफें, जो समस्या सारे लोगों के साथ जो हो रहा था, तो मैं भी सोच रहा था कैसे होगा आगे, क्या होगा, न जाने अब क्या होने वाला है। तो फिर अचानक मुकेश जी का फ़ोन आया कि खाटू श्याम जी का ऐसा है, मंदिर बना हुआ है, उनमें हम एक फिल्म करने जा रहे हैं, उनका एक कहानी दर्शाने जा रहे हैं। तो मैं भी बहुत उत्साहित हो गया कि चलिए, एक खाटू श्याम जी के शायद मुझे भी याद कर लिया है कि दूर बैठे हो, आ जाओ हमारा हमारे लिए गुणगान करो। तो वही सोच के फिर मैं भी शुरू कर दिया हूँ। तो हमने बहुत तरीके से, नए तरीके से इन गानों को डिज़ाइन किया है कि आरती हो तो थोड़ा सा, अभी हम नया कर रहे हैं, नए तरीके से कर रहे हैं तो थोड़ा सा हटके हो। तो मैंने कुछ नया कंपोजिशन किया है, इसमें थोड़ा चेंजेस किया है। आरती जो कॉमन रहते हैं, जो ट्रेडिशनल आरतियाँ हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट आरती देने की कोशिश किया है मैंने। बाकी खाटू श्याम जी के हाथ में हैं, वो कैसे आगे बढ़ाते हैं इसे, उनका आशीर्वाद रहेगा, सदा रहे, बस यही चाहता हूँ।